एवरीवन, मैं सृजना और आप देख रहे हैं सीना लाइफस्टाइल। अभी हम लोग सारे सिस्टर्स घूमने जा रहे हैं, मार्केट ही, गांव का ही मार्केट घूमने जा रहे हैं, गुपचुप वगैरह खाने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी, देख सकते हैं हम लोग को। सामान लेने आए थे हम लोग, दी रायगढ़ में लेती नहीं है, तो सरिया जब भी आती हैं तो वो जो भी उसको चाहिए रहता है वो सारा सामान ले लेती हैं। अब तो लेने आए हैं, सामान लेकर के घर आ गए हम लोग। और आज हम लोग रास्ते में आते वक्त अंडा ही लेके आए हुए थे। आज हम लोग ने सोचा कि एग सब्ज़ी बनाएंगे, सबको खाने का मन था तो एग सब्ज़ी बना रहे हैं आज। आप देख रहे हैं मैं तेल चढ़ा चुकी हूँ, तेल में हल्दी भी डाल दिया। तेल में हल्दी डालने के बाद अंडा को थोड़ा सा उसमें भूंज लेंगे, मतलब उसमें थोड़ा सा हल्का सा पकाना रहेगा तेल में। सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है, बाकी तो सब बहुत अच्छा ही, मेरे से भी बहुत अच्छा बना रहे होंगे। मुझे पता है कि मैं बहुत कम बनाती हूँ, और जब बनाती हूँ तो मूड के अकॉर्डिंग है मेरा। मैं जैसे मेरा मूड जैसा रहता है वैसा करती हूँ। तो चाची बोली किसी ने आज आप बना लो, तो मैं बना रही हूँ। ऐसा ही बात है, हर दिन बना बना के वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी दूसरे के हाथ का भी खाना अच्छा लगता है। वैसे हम लोग बहुत कम खाना बनाती हूँ मैं, पहले बनाती थी बट अभी तो ड्यूटी टाइम में रहती हूँ मोस्टली, तो मैं खाना नहीं बना पाती हूँ। तो आज मैं ही बना रही हूँ, आप देख लीजिए, देख आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या कैसे कैसे बना रही हूँ। बचा हुआ तेल में ही मैं अब उसी में ही सब्ज़ी बना लूँगी। सरसों का फ़ौरन दिया है, सरसों का फ़ौरन देने के बाद उसमें अब मसाला डालूँगी। मसाला में मैंने गोटा जीरा, गोटा धनिया, लहसुन, अदरक और प्याज यूज़ किया है। उसको अब मसाले को अच्छे से पकाना है। सारा मसाला डाल दे रही हूँ और उसको अच्छे से पकाऊंगी। अभी मैं अच्छे से भून जाएगा उसके बाद ही, अगर मसाला कच्चा रहता है तो टेस्ट नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा उसको पकाना बहुत ज़रूरी भी है। ज़्यादा पकता है तो भी मज़ा नहीं आता है। अब ये मेरा छोटा भाई अब लग गया है सब्ज़ी बनाने में, धीरज नाम है उसका। अभी मैं इसमें सारा पाउडर वाला मसाला डाल रही हूँ उसको। मैं जब भी सब्ज़ी वब्जी बनाती हूँ तो दोनों, दो भाई हैं, चाचा के दो बेटे हैं। मेरा भाई तो रहता नहीं है मुस्लिम सरिया में, दोनों ही रहते हैं, तो वो लोग मतलब खाना बनाने के लिए आगे हो जाते हैं। अब मैं इसमें टमाटर दी हूँ, टमाटर के बाद मेथी पत्ता का थोड़ा सा दी हूँ टेस्ट के लिए ना, मेथी पत्ता थोड़ा। देखिए मैं डाल दी, अब उसके बाद मैं नमक डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है। आपको समझ में आ जाएगा जैसे जो खाना बनाता है, वैसे तो मेरा मोस्टली नमक कम हो जाता है सही बताऊँ तो, इसलिए मैं थोड़ा देख के डालती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा टमाटर को अच्छे से पकने देंगे मसाला के साथ, उसके बाद फिर हम एग को डालेंगे। मेरा मसाला बहुत सुंदर दिख रहा है, इतना तो मुझे पता है। आप सब्ज़ी खाने में कैसे लगा ये नहीं पता, लेकिन मसाला दिखने में सुंदर है। अब इसमें मैं आलू को उबाल दी थी, एग के साथ ही मैं आलू को उबाल दी थी, अब आलू इसमें डाल रही हूँ मैं। आलू डालने के बाद इसको आलू को अच्छे से मिलाऊँगी, आलू को मसाला में अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद फिर आलू को थोड़ा सा पकने दूंगी मसाला में, क्योंकि आलू को भी थोड़ा सा, आलू वो भी कच्चा है ना, तो उसको भी थोड़ा सा पकाई हूँ बस, और कुछ की तो नहीं हूँ, तो उसको भी थोड़ा सा मसाला में भूनने दूंगी तो थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, इसलिए मैं उसको पकने दे रही हूँ। वैसे हम लोग क्वांटिटी के जितने मेम्बर्स हैं उतने एग बनाते हैं, ज़्यादा कोई खाता नहीं है, सबका अलग अलग डिमांड है। कोई अंडा भुंजी खाएगा, कोई चीला खाएगा, तो इसलिए बहुत कम बनाए हैं। एक आध दो ठो एक्स्ट्रा बनाते हैं, क्योंकि ऐसे कोई ज़्यादा खाता नहीं है, एक एक ठो ही खाते हैं, ज़्यादा कोई नहीं खाता। तो देखिए अब मेरा एग का जो सब्ज़ी है वो अब मैं डाल दी हूँ। पानी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, जितना भी आपको रस्सा करना है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है, फिर मैं बाद में डालूँगी, अभी तो थोड़ा डाली। अब थोड़ा सा मसाला में एग को पकाना है। एग में भी बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, एग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आँखों की रोशनी, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिससे एग फिश में भी खाने से बहुत ज़्यादा, जितना बेनिफिट फिश में भी है, ऐसे एग से मतलब एग में कम रहता है बेनिफिट, फिश में ज़्यादा रहता है, तो प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे ये दोनों ही फायदे रहते हैं, चिकन मटन के अगर आप देखा जाए, चिकन मटन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एग और फिश में बहुत ज़्यादा विटामिन रहते हैं। अब मेरा सब्ज़ी तैयार है, इसको मैं अच्छे से ढक ले रही हूँ। ढकने के बाद आप देख रहे हैं अब पूरा खाने के लिए तैयार है सब, अब हो गया।
आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।